बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शनिवार को अचानक शिवपुरी एसपी निवास पहुंच गए। एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई। जैसे ही यह बात उनके प्रशंसकों को लगी तो एसपी निवास पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। लोग धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने को बेताब दिखे, लेकिन महाराज लोगों के बीच नहीं आए। कुछ देर में वे एसपी निवास से निकल गए। इससे उनके भक्तों में मायूसी छा गई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के काफिले को शिवपुरी से बाहर निकालने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। भोजन करने के बाद करीब 45 मिनट तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एसपी बंगले पर रहे। यहां एसपी और उनके बीच लंबी चर्चा हुई। मीडिया का भी जमावड़ा लग गया। हालांकि भीड़ अधिक होने के कारण मीडिया कर्मी उनसे बातचीत नहीं कर सके। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वहां मौजूद भक्तों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और कार में बैठकर गंतव्य को रवाना हो गए। एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया उनकी कार की अगली सीट पर बैठकर उन्हें जिले की सीमा से बाहर तक छोड़ने गए। रास्ते भर उनका जमकर स्वागत किया गया। लोगों ने फूलमाला से महाराज जी को लाद दिया। एसपी खुद भक्तों से माला लेकर पिछली सीट पर बैठे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देते गए और बागेश्वर बाबा भक्तों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा मंदसौर जिले में हो रही थी, जो शुक्रवार को ही खत्म हुई थी। कथा के बाद वह अपने गृह जिले छतरपुर के बागेश्वर धाम लौट रहे थे। इसी बीच में शिवपुरी में कुछ देर के लिए रुके। यहां एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया के बंगले पर पहुंचे थे। यहां से वे छतरपुर रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि अशोक नगर में एसपी रहने के दौरान रघुवंश सिंह भदौरिया की पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कथा में मुलाकात हुई थी, तभी से दोनों संपर्क में आए थे। शिवपुरी से यूडी न्यूज के लिए वीरो रिपोर्ट।